हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आपका स्वागत है। आज से यहाँ पर हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है निमोनिक सीरीज, जहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे जिनसे आप कॉन्सेप्ट को आसानी से लर्न कर पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। तो यानी यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे जिनसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस समय अगर सेल डिवीज़न की बात की जाए तो उसमें सिनेप्सिस के बारे में, क्रॉसिंग ओवर के बारे में, क्याज्मेटा फॉर्मेशन के बारे में पूछा है। तो और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, इसमें आप बड़ा कंफ्यूजन होता है आपको। तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी से इन सारी स्टेजेस को भी जान पाएंगे और साथ ही साथ जो अलग अलग प्रोसेस हैं क्रॉसिंग ओवर, क्याज्मेटा फॉर्मेशन, वो भी आप समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेजेस के नाम हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट के दौरान 5 स्टेजेस होती हैं जिनके बारे में पहले आप जान लें। इन 5 स्टेज के नाम हैं, दैट इज लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस। अब पहली चीज, अगर आप इन स्टेजेस को सीक्वेंस में नहीं जानते हैं तो ये जानना आपके लिए पहले ज़रूरी है। तो इसको याद करने के लिए एक तरीका है जो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसका निमोनिक हमारे पास है लता, चरा, पानी, दे दो। इस निमोनिक से आप इसे याद कर सकते हैं सही सीक्वेंस में, क्योंकि इसमें सीक्वेंस जरूरी है। मतलब ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है, ये चौथी स्टेज है और ये पांचवी स्टेज है। अब इसमें लता की अगर बात करें तो लता को अगर आप लिखेंगे तो एल से शुरू करेंगे तो एल फॉर लेप्टोटीन हो जाएगा। जरा मतलब जेड आप समझेंगे, दैट इज जाइगोटीन। पानी मतलब पी से शुरू होगा, दैट इज पैकेटीन। दे दो, ये दोनों डी से शुरू होंगे तो यहाँ डिप्लोटीन हो जाएगा और ये डायकाइनेसिस हो जाएगा। तो इस शॉर्ट निमोनिक के द्वारा लता, जरा, पानी, दे दो से आप इन पांचों स्टेजेस को पहले याद कर लें। अब इन पांचों स्टेजेस में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी क्रॉसिंग ओवर के बारे में, सिनेप्सिस के बारे में, इन सारी स्टेजेस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी स्टेज में कौन सा फिनोमिनन पाया जाता है। तो पहले हम फिर से ही लिख देते हैं, लता, जरा, पानी, दे दो। यानी यहाँ पर मैंने स्टेजेस लिख दी। यहाँ पर मैंने लिख दिया लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ये मैंने स्टेजेस यहाँ पर लिख दी पांचों। अब किस स्टेज में कौन सा इवेंट होता है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको पहले इवेंट बता देता हूँ। लेप्टोटीन की बात करें तो लेप्टोटीन में बीडेड अपीयरेंस आता है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम बीड लाइक आते हैं, उन पे गांठ की तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमोमियर कहा जाता है। जाइगोटीन की अगर हम बात करते हैं तो जाइगोटीन में होते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्सिस। पैकीटीन की बात करें तो यहां पर होती है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में होता है क्याज्मेटा फॉर्मेशन, क्याज्मेटा फॉर्मेशन, क्याज्मेटा फॉर्मेशन। और डायकाइनेसिस की अगर बात करते हैं तो डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन। तो ये तो मैंने इवेंट के बारे में आपको बताया। अब कैसे इस निमोनिक को आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। इसका कोड है यहाँ पर बिना सनम के, बिना सनम के किस्मत, टेढ़ी। अब ये जो बिना सनम के किस्मत टेढ़ी है, इसमें बिना का मतलब बी हो जाएगा, बी फॉर बीड लाइक अपीयरेंस, सनम मतलब एस फॉर सिनेप्सिस हो जाएगा, के का मतलब सी से है यानी क्रॉसिंग ओवर, किस्मत से क्याज्मेटा आ जाएगा यहाँ पर, और टेढ़ी के टी से टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा।
तो इस छोटे से निमोनिक के द्वारा आप इन घटनाओं को अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे। यानी यहां पर आपको ध्यान देना है लता जरा पानी दे दो, ये एक तरफ आप लिखेंगे और दूसरी तरफ आप लिखेंगे बिना सनम के किस्मत टेढ़ी, और इनको आप मैच करा देंगे तो आपके सारे आंसर हो जाएंगे। तो अब अगर अभी तक आपको कंफ्यूजन होता था क्रॉसिंग ओवर में, सिनेप्सिस में, क्याज्मेटा फॉर्मेशन में, टर्मलाइजेशन में, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आसानी से इन सभी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। जिस तरह का निमोनिक मैंने यहाँ पर आपको बताया है, लता जरा पानी दे दो बिना सनम के किस्मत टेढ़ी, तो अब अगर आपके पास भी कुछ निमोनिक हैं जो आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा जहां पर अलग अलग टॉपिक के निमोनिक मैं डिस्कस करूंगा, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके मियोसिस के क्वेश्चन गलत हो रहे थे अब गलत नहीं होंगे, और निमोनिक ऐसे होने चाहिए जो ईजिली आपको याद हो जाए, जैसे लता जरा पानी दे दो बिना सनम के किस्मत टेढ़ी, तो ये आसानी से निमोनिक आपको याद हो जाते हैं। तो निमोनिक इसी तरह के होने चाहिए जिन्हें आप आसानी से याद रख सकें। तो आपके पास कोई निमोनिक है तो इसके बारे में भी जरूर आप बताएंगे। अगले निमोनिक के साथ हम फिर जल्दी ही आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।